मुंबई में 9 फरवरी को एमएनएस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा निकालने वाली है। इससे पहले एमएनएस ने पोस्टर वॉर भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री के बाहर भी पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है वो अगर उद्धव घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन से सहमत हैं तो इसकी शुरुआत बांद्रा से ही करें जहाँ उनका बंगला है। इससे पहले भी एमएनएस की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें बांग्लादेशियों को देश छोड़ने की धमकी दी गई थी। साथ ही ये भी लिखा था कि अगर वो नहीं गए तो उन्हें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्टाइल में बाहर निकाला जाएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक महामोर्चा होने वाला है और वो महामोर्चा का उद्देश्य है बांग्लादेशी पाकिस्तानी जो घुसखोर यहाँ पर इन्फिल्ट्रेटर्स जो यहाँ पर अपने देश में है उनके मोहल्ले के मोहल्ले हमें सबको पता है, या मुंबई पुलिस को पता है या आम पब्लिक को भी पता है, वो मोहल्ले जो यहाँ पे खड़े हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और वो जो भी घुसखोर है उन्हें ट्रेस कर उनके देश भेज दिया जाए। उसी की तैयारी के तौर पर मुंबई में सभी जगह पर ऐसे तरह के पोस्टर लगे हैं। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली के लिए अमित शाह का गेम प्लान।